भाई साहब, क्या नाम है सर आपका? सुभाष सर। सुभाष सर, सुभाष नाम है इनका। तो ये जी बताएंगे कि जो चेन है आपके पास, जो चेन सॉ कटर है, उसको आपने जो है कैसे शार्प करना है, तो बताएंगे सर। ये जो चेन है आपने अपने आप तेज की हुई है, हाँ जी मतलब सर, शार्पिंग की हुई है हाँ जी जी, तो कितना टाइम, कितने बार आपने जो इसको तेज कर दिया सर, है, इसको 3-4 बार किया है तेज। किया तेज? हाँ जी अगर हम इसको जैसे मान लो जो मैकेनिक होते हैं उनके पास देते हैं ना, हाँ जी तो उसमें ज़्यादा अच्छी तेज होगी या फिर आपके अपने आप नहीं नहीं करेंगे? अपने आप ही होंगी ज़्यादा तेज। क्यों, कारण एक बताएंगे कारण आप? है, कटोरे से होते छोटे ना, वो तो मशीनों से करते हैं। हाँ, हाँ तो जी मशीनों से तो ज़्यादा तेज होनी ज़्यादा चाहिए तेज होते, तो एक ही बार होती है वो सर, वो कम हो जाती है फिर ना, उसके, फिर मतलब जो दांते खत्म हो जाते हैं उसके, दांते उसके ख़त्म हो खत्म हो जाएंगे, जाते हैं लेकिन जब आप हाथ से करेंगे भाई, बढ़िया रहते हैं दांते फिर ना। तो एक चेन को तेजने के लिए आपको कितना टाइम लगता है? कम से कम 5-10 मिनट लग जाते पाँच हैं, दस मिनट और उसके बाद जो है चेन जो है पूरी तरह से तैयार हो काटने की जाती तैयारी है। तैयार हो जाती है। जाओ ले आ जा बेटी। ये भाई साहब ने कटोरा ले आया है, हाँ जी इस हिसाब से होती है तेज, एक साइड ही देनी है आपने। एक साइड देनी है। यस कितनी बार आपने जो है इसको आगे को करना है, 3-4 बार या फिर देखना है कि? 2-3 बार दांत देख लेना भाई, इस तरह का हो गया हाँ फिर कर लेना ऊपर, ठीक फिर है, से लगाना दूसरे में। जी। अगर दूसरी साइड अगर लगाना है, इस साइड तो तो इस हो साइड तो गई। हो गया ना, हाँ, तो दूसरी साइड लगाना, फिर इस हिसाब से लगाना, फिर दूसरी साइड इसको, जैसे इस पर रख लिया कोई पत्थर हाँ पर, फिर हाँ इस हिसाब से लगाना आगे को, इस हिसाब से और ये तेज हो जाएगी ये बिल्कुल। तेज हो जाएंगे बिल्कुल। हाँ तो हिसाब यानी से आप लगाना जो है कम से कम 8 या 10 बार इसको तेज कर सकते हैं, कर सकते हैं मजे से, लेकिन अगर आपने जो है जो मशीन के ऊपर लगाया तो 2 या 3 बार, 2-3 बार हाँ, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपने कटिंग हिसाब से करेगी करेंगे ना कटिंग। जी। और बताएंगे आप कि कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है जब जैसे कोई आदमी जो है इस चेन सॉ कटर को चलाता है, इसमें कौन कौन सी सावधानी आपने रखनी है? इसमें सर पाँव और क्या बोलते हैं हाथों की सावधानी रखना पड़ती है, और ध्यान रखना पड़ता है इसी पर, पूरा हाँ देखना पड़ता है आगे पीछे ना जाए, हाँ पाँव में लगे बस पकड़ के धीरे से करते रहे। और पता कैसे लगेगा कि आपको ये चेन जो है अब काटने के लायक नहीं रही? नहीं रही तो सर खत्म हो जाती है फिर ना, इसके दांते हो जाते हैं खत्म, फिर जीरो में आ जाते हैं इस साइड को। हाँ नहीं, जैसे मान लो दांते आ गए हैं, जी इसके जो दांत हैं वो आ गए हैं लेकिन हाँ, काट नहीं रही है, तो उसका पता आप कैसे लगाते हैं कि चलता है? हाँ, वो सर वो दांते हो जाते हैं क्या बोलते हैं बेकार ना, फिर दोबारा से फिर तेज करना पड़ता है। तेज करना पड़ता है आपका, ठीक है। और आप अगर जैसे मान लो कोई जैसे लकड़ी कोई काटता है अपनी हाँ जी पर्सनल, तो आजकल जो है हर घर में जो है काटते हैं अपने जी, काटते हैं, हाँ जी तो कई सावधानियां होती है जो नहीं रखते, जैसे आपने कटाई कर दी तो हाँ जी कटाई के बाद क्या करना है आपने? सफाई जो है कौन कौन सी चीज़ है जो बेसिकली आपने करनी है? बेसिकली सर एक ये करना पड़ता है बस, इसका एक ये चेन और एक ये पट्टा इसका, बस इसको तीन खोलना है, जो चीज इसके हाँ, साथ जो इसके इंस्ट्रूमेंट हाँ मिला होता है हाँ उससे एक ना खोलना है, एक अंदर खोलना है, जो बस कचरा बुरादा होगा बुरदा उसको होगा उसको निकालना निकालो होगा। बस, साफ कर लो, फिर इस ब्लेड को भी साफ करना उससे। हाँ ब्लेड को, ये जो चेन है, जी ये जैसे मान लो कई बार आपने ऐसी कोई काटी हाँ जी लकड़ी जिसमें गोंद है, हाँ जी ठीक है, तो इसके ऊपर भी जाहिर सी बात है कि गोंद होगा, हाँ जी होती है ठीक है, सर, तो फिर उस उस गोंद को गोंद निकालने पेट्रोल के लिए क्या, का करो आप, पेट्रोल से फिर से साफ हो जाएंगे, पेट्रोल या कैरोसिन दोनों में से, केमिकल तो काटने के बाद जो है चेन को भी आपने साफ हो जाएंगे। साफ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, चलो भैया ठीक। ठीक है।